अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कराते रहें। और आज मैं आपके साथ अपनी बोरिंग वाली रूटीन शेयर कर रही हूँ और थोड़ी डिफरेंट है। और बाकी बच्चे देखें, अभी सुबह उठे हैं और मुंह बना के बैठे हैं, इनको नींद आ रही होती है। ये कहते हैं मम्मा हमें बिस्तर से ना निकालो, और वैसे भी सर्दियों में किसका दिल करता है बिस्तर से निकल के कहीं जाने को। तो इससे थोड़ा सा मूड इनका ऑफ है। और अभी मैं आई हूँ पार्किंग में, पार्किंग से गाड़ी मुझे खुद निकालनी पड़ती है क्योंकि मेरे मामू की दोबारा उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी है। तो कह रहे थे घर बैठे बैठे बस थक जाता हूँ और सेहत भी ख़राब हो रही थी, तो उन्होंने कहा मैं दोबारा जॉब स्टार्ट करता हूँ। तो उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी है और मुझे फिर अब खुद ही पार्किंग में आना पड़ता है, गाड़ी निकालनी पड़ती है। पहले ये था कि वो गाड़ी निकाल के दे जाते थे, लेकिन अब थोड़ा टाइम का भी मसला होता है उनको, वो सुबह बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो बस मैं पार्किंग में आके गाड़ी वगैरह साफ़ करती हूँ और फिर हम लोग स्कूल के लिए निकल जाते हैं। पहले जो मेरी पार्किंग थी ना, उसमें गाड़ी जो थी वो खुद ही साफ़ कर देते थे वो, क्योंकि उनको मैं थोड़े से ना पैसे जो थे वो ज़्यादा दे देती होती थी। लेकिन अब इस पार्किंग में गाड़ी खुद ही जो है वो साफ़ करनी पड़ती है। तो सर्दी है तो ओस पड़ी होती है शीशे के आगे, तो वो ज़रूरी होता है साफ़ करना। अगर घर के अंदर खड़ी हो ना गाड़ी, तो बहुत ईजी हो जाता है उसको साफ़ करना। बंदा चलो घंटा दो घंटा पहले, आधा घंटा पहले साफ़ कर लेता है, और इस टाइम तो मैं बहुत लेट हो रही होती हूँ, बस भागम भाग लगी होती हूँ। तो ये है कि स्कूल से वापसी पर मैंने एक और अच्छा काम स्टार्ट किया है कि मैं मॉर्निंग वॉक करूं, क्योंकि पहले तो मैं सुबह निकलती नहीं थी। हमारी गली में बहुत ज़्यादा डॉग्स होते हैं और बहुत डर लगता है वहाँ जाते हुए। तो फिर मेरे अचानक माइंड में आया, मैं रोज़ाना उस पार्क के पास से गुजरती थी और वेट बढ़ता ही जा रहा था मुसलसल। जंक फूड की बहुत ज़्यादा मैं शौकीन हूँ और खाती हूँ, शवारमा पिज़्ज़ा बर्गर बहुत ज़्यादा, मुझे अम्मी मना भी करती हैं लेकिन नहीं छूटता मुझसे, मैं क्या करूँ। राइस तो मैं बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकती हूँ, और ये जंक फूड बिल्कुल रहा नहीं जाता मुझसे, परहेज़ नहीं होती है। लेकिन मैंने कहा चलो परहेज़ नहीं कर सकती तो कोई तो अच्छा काम भी करूँ। फिर मैंने सोचा चलो मैं वॉक स्टार्ट कर देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थोड़ी सी रूटीन बनी है कि मैं जब स्कूल से आती हूँ ना, तो पार्क के पास गाड़ी पार्क करके तो फिर मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ। तो अभी स्कूल जा रही हूँ, और फिरोजपुर रोड पे इतना रश नहीं होता जितना इसके चौक पे रश होता है। इतना ज़्यादा हर तरफ से ट्रैफिक आ रही होती है, जा रही होती है, ऐसा रहता है जैसे बुरा हाल है। बहुत मुश्किल से यहाँ से अल्लाह करके गुजरते हैं। और मेरी एक तो फ्रेंड्स हैं, वो मुझे कहती हैं कि सबसे ज़्यादा मुश्किल यहाँ से गुजरना है, हम लोग इसीलिए जो है ना ड्राइविंग नहीं करते। खैर शुक्र अल्लाह का, स्लो स्लो करके मैं गुजार लेती हूँ। सूर्य देखे कितना प्यारा लग रहा है। ईमानी वीडियो बना रही थी, मैं तो नहीं बना सकती क्योंकि मैं ड्राइव कर रही थी, और जब ड्राइव कर रही होती हूँ तो मैं बच्चों से बस बातों के सिवा और कुछ नहीं करती हूँ। तो स्टार्ट में तो ऐसा था कि जब मैं ड्राइविंग करती थी तो मैं एसी तक नहीं ऑन कर सकती थी ना, अगर कोई बच्चे कोई नात वगैरह सुन रहे थे तो उसका वॉल्यूम तेज़ और स्लो भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा फोकस ड्राइविंग पर होता था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई है, और मैं वॉल्यूम भी स्लो कर लेती हूँ, तेज़ भी कर लेती हूँ, और एसी भी चला लेती हूँ। तो खैर बातों बातों में हम स्कूल पहुँच गए, और स्कूल छोड़कर तो मैं वॉक पर आ गई हूँ। और मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, तकरीबन 15-20 केजी जो है वो मेरी हाइट के हिसाब से बढ़ा हुआ है। तो थोड़ी एक्टिव भी नहीं थी, बहुत सुस्त थी, तो मैंने सोचा मैं वॉक स्टार्ट करूँ। डेली जो स्कूल जाना होता है अब छोड़ने, तो यहाँ पर गाड़ी पार्क कर देती हूँ और बस वॉक करती हूँ। फर्स्ट डे मैंने 3 चक्कर लगाए थे, बड़ा सा पार्क है, और उसके बाद मेरी बस हो गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता 4 पर आ गई, यार 5 पर हूँ, अब ये 5 पर फिक्स किया हुआ है। थोड़ी सी और रूटीन सेट हो जाती, जब हस्बैंड चले जाएंगे तो फिर थोड़ा जल्दी निकल आया करूँगी, तो फिर 5 के बजाय इंशाल्लाह ताला 10 चक्कर तो लाजमी लगाने हैं। हर हालत बहुत गैर हो जाती है। तो वॉक करके मैं घर आ गई हूँ। तो आज ना मेरा झूला झूलने को बहुत दिल कर रहा था, मैंने कहा बच्चे तो हैं नहीं, चलो झूला झूल लेती हूँ। तो थोड़ा सा कभी कभार मूड होता है ना बच्चों वाला हो जाता है, तो बस कमरा आके जल्दी से सारा घर वगैरह सेट कर लेती हूँ, नाश्ता करती हूँ, और उसके बाद मेड आ जाती है, वो काम वगैरह करती रहती है, और मैं बैठ के देखती रहती हूँ कि सही कर रही है, यहाँ से ऐसे करे वैसे करे। यार मुझसे बड़ी है ना तो मुझसे बोला नहीं जाता, और अम्मी मुझे डांटती है कि तुम सही से काम नहीं करवाती हो, उसकी मौज लगी है। तुम ये भी नहीं कहती हो कि यहाँ से तुमने सही सफाई नहीं की, यहाँ से तुमने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, मुझसे बोला ही नहीं जाता, पता नहीं क्यों। बड़ी है शायद इस वजह से, बच्ची होती तो शायद मैं बोल भी पाती, तो मुझे लगता है जैसे बदतमीज़ी हो जाती है।
तो अच्छा भी नहीं लगता। एक दो दफ़ा बस बोला था कि आज वो चीज़ अच्छे से साफ़ करनी है, हस्बैंड आ रहे हैं, वो चीज़ अच्छे से साफ़ करनी है, सास आ रही हैं, बस इस तरह करके। तो बस मैं झूले पे बैठी हुई हूँ, मज़े ले रही हूँ और साथ में अपने एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, जो वीडियो व्लॉग वगैरह बनाया होता है, और साथ में देख रही होती हूँ कि काम कैसे कर रही है मेड। तो बस अब ये है कि सारी क्लीनिंग वगैरह हो जाएगी मेरी, उसके बाद हस्बैंड को जगाऊंगी। और बोरिंग रूटीन में कह रही थी, क्योंकि बोरिंग रूटीन इसलिए कि हस्बैंड जो है ना वो आए हैं और ऐसा लगता है जैसे नहीं आए हैं, क्योंकि हर वक्त ऑफिस पे बैठे रहते हैं। ऑफिस वालों ने उनकी जान यहाँ पर आकर भी नहीं छोड़ी है। वो सुबह स्टार्ट होते हैं नाश्ते से पहले और शाम बीच में ही आ जाती है। कहीं आना जाना भी हमारा बंद हुआ हुआ है, क्योंकि ऑफ़िस वाले बहुत तंग करते हैं, और जिस दिन कहीं जाना हो, किसी के घर दावत होती है, यार दावतें वगैरह खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो है ना घूमना फिरना हर बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, हस्बैंड वाइफ बच्चे हम लोग फैमिली मतलब घूमने जाते हैं। पहले हर साल जब वो आते हैं तो मर ही जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा ज़रा सर्दियों में आए हैं तो सर्दी बहुत ज़्यादा। अभी देखे लैपटॉप पर ये बैठे हुए हैं और अभी दिन के बज रहे हैं 10:30-11 और गैस भी गई हुई है। अब इनको मैं नाश्ता बना के दूँगी, नाश्ते में भी इनको डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, चाय इन्होंने बिल्कुल छोड़ दी हुई है, और कॉफ़ी बनानी पड़ती है, और कॉफ़ी को फेंट 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 के ना मेरा जो बाजू है ना वो सुन हो जाते हैं। आपको पता है कॉफ़ी जो है ना वो जितनी ज़्यादा बीट करोगे उतनी अच्छी बनती है। तो अब मैं कॉफ़ी को बीट करूँगी और बीट करने के बाद फिर मैं उनको कॉफ़ी दूँगी। साथ वो कभी ब्रेड ले लेते हैं, कभी कुछ भी नहीं लेते हैं। तो आज कह रहे थे कि मुझे ब्रेड पे कुछ लगा के दे दो, तो सोचती रही क्या लगा के दूँ क्या लगा के दूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो मुझे आज स्प्रेड लगा दो, तो फिर मैंने उन्हें स्प्रेड लगा दिया, चिकन स्प्रेड उन्हें अच्छा लगा। पहले तो उन्होंने कभी खाया नहीं था। एक दिन ईमान का लंच बॉक्स जो था वो उसने हाफ वो बचा के ले थी, फुल फिनिश नहीं किया था उसने, तो वो फिर हमने खाया तो उनको अच्छा लगा। कहते हैं ये बड़े मज़े की चीज़ है, मुझे भी लगा के दिया करो। ये बच्चों वाली चीज़ें होती हैं ना, तो वो कभी उन्होंने यूज़ ही नहीं की, ना जैम लगाया, ना स्प्रेड लगाया, ना नूटेला लगाते हैं। तो उस दिन जब उन्होंने लगाया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो उसके बाद उन्हें चस्का पड़ गया। अब वो कहते हैं कि कॉफ़ी बना दो और साथ मुझे ब्रेड पर स्प्रेड लगा दो। मैं उन्हें बल्कि कह रही थी आप जाते वक्त बेहरीन ना 2 पैकेट ले जाइएगा बड़े वाले, और ब्लैक पेपर भी दे दूँगी आपको, तो आप वहाँ पर ब्रेड पर लगा के तो अपना आराम से नाश्ता कर लिया करें। तो वो कह रहे थे लगा के कौन दे, मुझसे लगाया नहीं जाएगा, मुझे टाइम नहीं मिलता, ये वो बहुत नाश्ता करने में बहुत लेज़ी हैं, एक तो उठते लेट हैं और फिर नाश्ता भी नहीं प्लेट भर के करते। और नाश्ता उनका तैयार है और उन्होंने अपने कॉफ़ी पीने के चक्कर में ना मुझे भी कॉफ़ी का चस्का डाल दिया है। मैंने भी सुबह चाय अब छोड़ दी है, नाश्ते में कभी ले लेती नहीं तो बिल्कुल नहीं लेती, और कॉफ़ी ज़्यादा मज़े की लगती है। पहले तो मैं बनाने की वजह से करती थी, लेकिन अब ये है कि जब अब आए हुए हैं तो कॉफ़ी बनती है तो फिर मैं भी पी लेती हूँ। वो तो नीचे ऑफिस खोल के बैठे होते हैं और साथ कॉफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं, साथ अपने सैंडविच खा रहे होते हैं, और मैं क्या करती हूँ, मैं कॉफ़ी बना के आराम से आके बैठ जाती हूँ ऊपर वाले रूम में और अपना लगा लेती हूँ, टीवी लगा लेती हूँ, कुछ भी प्रोग्राम लगा हो, कोई मॉर्निंग शो हो या कोई ड्रामा वगैरह लगा हो तो वो देख लेती हूँ। तो बस यही मेरी रूटीन चल रही है कॉफ़ी के साथ, और उसके बाद बस मैं जाती हूँ किचन में, क्योंकि 12 बजे गैस आती है। और बस आज मैं बना रही थी साग, क्योंकि हस्बैंड ने कहा है कि साग मुझे साथ लेके जाना है, तो तुम स्पाइसी वाला साग जो है ना वो बना के दो मुझे। और अभी जो साग बन रहा है वो ट्रायल के लिए बन रहा है, पहले मैं ट्राई करवाऊंगी उनको, अगर उन्हें ओके हुआ उनकी तरफ से तो फिर मैं उसको फ्रीज़ कर दूंगी। तो स्पाइसी बनाना है, पहले जो मैंने बनाया था वो थोड़ा कम स्पाइसी बनाया था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, और वैसे भी ज़्यादा जो स्पाइसी होता है उसका नुकसान होता है। तो आज मैं ट्रायल के लिए बना रही हूँ, अल्लाह करे उनको पसंद आ जाए, और जब पसंद आ जाएगा तो फिर मैं उनका फ्रीज़ कर दूँगी सारा। तो अब मैं बर्तन धो रही हूँ, इतना मैस हो जाता है ना जब साग वगैरह बनाना हो, तो और बर्तन ही मुझे समझ नहीं आती, बर्तन सारा दिन ख़त्म ही नहीं होते हैं, हर घंटे डेढ़ बाद आके बन जाते हैं, चाय बन रही है उसके बर्तन बन जाते हैं, नाश्ते के बाद बन जाते हैं। सुबह एक रूटीन होना कि सब मिलकर नाश्ता करें, तो नाश्ते के बाद बर्तन भी धुल जाते हैं और फिर दिन का खाना बन जाता है, फिर 3 टाइम बर्तन बनते हैं। लेकिन सच पूछें ना तो मेरे ख्याल में किसी की घर की भी रूटीन नहीं होगी, हर बंदे के घर की डिफरेंट रूटीन होती है। मेरी मम्मी के घर में ये हाल होता है कि दिन में 4-5 दफ़ा नाश्ते बन रहे होते हैं छुट्टी वाले दिन। तो अब ये है कि अब उनकी थोड़ी सी रूटीन सेट हो गई है,
तीन टाइम नाश्ता बनता है, पहले उनका बहुत ज़्यादा दफ़ा बनता था, तो बहुत मुश्किल हो जाता है जब नाश्ता बन रहा होता है दूसरों का तो अपना दिन का खाना बन रहा होता है, और जब दूसरों के दिन का खाना बन रहा होता है तो अपने रात का बन रहा होता है। मतलब बड़ी अजीब सी रूटीन हो गई है हर घर की अब तो। बस गैस जब आती है ना, जैसे गैस आती है तो मैं हंडिया वगैरह बना देती हूँ, और मैं ब्लैक चने बना रही थी। कुकर लगाना मस्त था क्योंकि गैस सिर्फ 1.5 घंटे के लिए आती है, तो उसके बाद तो गैस चली जाएगी तो फिर अच्छे से ये गलेंगे भी नहीं। और बाहर टेबल पर इतना बुरा हाल हुआ हुआ था, इतना रश हो गया था चीज़ों का कि ये समेटना बहुत ज़रूरी हो गया था। जब चीज़ें बिखरी होती हैं ना तो मुझे गुस्सा आता रहता है खाम खा में, बच्चों पे सारा गुस्सा निकाल देती हूँ, और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा होता है, शायद सबके साथ होता हो। इतना गुस्सा आता है ना जब चीज़ें बिखरी हों, जब चीज़ें सेट हों, साफ़ सुथरा हो, मेरा किचन साफ़ हो, टेबल साफ़ हो, घर साफ़ हो, बेडशीट सेट हो, तो मुझे मेरा मूड बहुत अच्छा होता है। तो मैं अक्सर बच्चों को कहती हूँ, बच्चों आप लोग जब खेलते हो ना तो अपना सारा बिखेरा जो होता है ना वो समेट दिया करो, ताकि मम्मा को गुस्सा आए ही ना, फिर वो सब सेट कर देती हैं। खैर उनको तो अच्छी आदत पड़ गई है, लेकिन ये कि मुझे ये आदत बुरी है कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, नहीं आना चाहिए यार, खामखा मैं बच्चों को डांट देती हूँ। तो बस अब मैं टेबल क्लीन कर रही हूँ, और सारा जो बर्तन वगैरह पड़े थे वो मैंने समेट दिए, और जो सिलेंडर वाला चूल्हा है वो मैंने बाहर टेबल पे सेट किया हुआ है, क्योंकि किचन बहुत छोटा है, वहाँ पर रेगुलर सेट नहीं कर सकती, तो टेबल को क्लीन करके एक कॉर्नर पे सेट किया हुआ है कि जब कोई चाय वगैरह बनानी पड़ जाए या रोटी बनानी पड़ जाए, क्योंकि नाश्ते की रूटीन डिस्टर्ब हुई हुई है, हस्बैंड लेट करते हैं, तो फिर ये होता है कि मुझे बस जल्दी से इसको ऑन करके तवा रख के तो जल्दी से बना देती हूँ, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है बाहर टेबल पर। एक दिन ना सेट करो तो बुरा हाल हो जाता है। तो बस बातों बातों में मेरा टेबल भी क्लीन हो गया, सारी क्लीनिंग हो गई, नाश्ते हो गए, अब स्कूल जा रहे हैं बच्चों को लेने। आज हस्बैंड को मैंने कहा थोड़ा सा आप भी साथ आ जाओ, थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा आपका भी मेरा भी। तो खैर उन्होंने कहा ड्राइविंग में करके देखता हूँ, क्योंकि बहरीन में राइट साइड पर नहीं लगा हुआ, लेफ़्ट साइड पे लगा हुआ है वो स्टेयरिंग, तो थोड़ा सा उनको मुश्किल हो रहा था, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चला ली उन्होंने। आज वो बच्चों को लेकर आए हैं, और घर आके खाने का मूड नहीं हो रहा था, बच्चों ने कहा समोसियाँ फ्राई कर दो मम्मा, तो वो मैंने की हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।